हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज़ राम योर फ्रेंड। और मेरे सामने खड़ी हैं दो बहुत ही ऑसम गाड़ियां। एक आपकी है MT 15.2 BS6 मॉडल और बगल में आपकी खड़ी है अपाचे 4V रेसिंग जनने के साथ BS6 मॉडल। तो दोनों गाड़ियां बहुत ही ऑसम है, एक TVS कंपनी की और एक यामाहा कंपनी की। पावर फिगर की अगर आपकी बात बता दूँ, पावर फिगर में यहाँ पे आप 17.4 PS की पावर है और जो MT है वो आपकी 18.3 PS की पावर जनरेट करती है। टॉर्क की अगर मैं बात बता दूं तो जो आपकी अपाचे है ये आपकी 14.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है और MT आपकी 14.1 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। तो ये आपका डिफरेंस है। बाकी प्राइस में आपकी MT ज़्यादा महंगी है, एक एक्स्ट्रा गियर है इसके पास, लिक्विड कूल इंजन है, ABS है, USD फोक्स है, बहुत कुछ है भाई। बताते लिस्ट लंबी हो जाएगी। तो महंगी है तो भाई उस हिसाब से चीज़ें दे रही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा ही पैसा ले रही है, काफ़ी ज़्यादा ही चीज़ें देती है। तो चलो करते हैं स्टार्ट रेस। और सबसे पहले मैं अपाचे चलाना पसंद करूँगा और अविनाश चलाएंगे आपकी MT। देखते हैं क्या डिफरेंस आता है दोनों गाड़ियों को चलाने में। सेकेंड गियर डाल दिया, MT निकल चुकी है और अपाचे भी है पीछे। तो यहाँ पे आप देखो MT ने लीड बनाई अपाचे से और मैं कोशिश करूँगा कि बीट कर पाऊँ MT को, बट मेरे ख्याल से MT का टॉप एंड ज़्यादा है अपाचे से। और यहाँ पे देखो मैं एकदम बैक सीट पे बैठ चुका हूँ, बैक सीट पे भाई। और मैं 50 गियर में इसका टॉप एंड तक जाऊंगा जहां तक इसका लिमिटर नहीं लगेगा। देखते हैं मुझे वो टेक कर पाते कि नहीं कर पाती, क्योंकि ज़्यादा RPM क्लॉक करती है और ज़्यादा गियर भी है उसके पास। गियर का वैसे टॉप एंड पे उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता जितना RPM का पड़ता है। तो ज़्यादा RPM, हायर RPM पे क्लॉक, मतलब मैक्सिमम पावर जनरेट करने की वजह से थोड़ा सा उसका टॉप एंड ज़्यादा है। और साथ में लिक्विड कूल इंजन है, परफॉर्मेंस अपने आप बढ़ाती है। देखते हैं कि क्या अपाचे बीट कर पाती है MT को। मुश्किल लग रहा है यार। थोड़ा वाइब्रेशन भी है अपाचे में, ये भी ध्यान देने वाली बात है। सिक्स गियर मैंने डाल दिया 124 और यहाँ पे देखते हैं अपाचे क्या बीट कर पाती है कि नहीं कर पाती है। मतलब अभी तक मैं जितनी गाड़ियाँ चला रहा हूँ 160cc में, सबसे स्मूथ मुझे N दिखी आपकी बजाज की N160। सबसे कम वाइब्रेशंस उसमें है और सबसे ज़्यादा मतलब मज़ा आती है उस गाड़ी को चलाने में। सेकंड नंबर पे मुझे लगता है MT है आपकी और थर्ड नंबर पे आपकी अपाचे है। सबसे ज़्यादा वाइब्रेशंस मुझे एक्सट्रीम में फील हुए थे। तो ये थी फर्स्ट टेस्ट और विनर आपकी रही है MT। और सेकेंड रेस जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं टाइम बिना वेस्ट किए हुए। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है सेकेंड रेस का। MT चलाते बड़ा डर लगता है मुझे। देखो आप, जैसे ही सेकेंड रेस लगाता हूँ मैं वैसे ही MT बैठना शुरू कर देती है। और इनिशियल में हम भैया निकल गए आगे और टॉप एंड में देखते हैं MT मुझे बीट कर पाते कि नहीं कर पाते। पर कोई बात नहीं, टॉप एंड MT का कमाल का है और मुझे पूरे उम्मीद है कि टॉप एंड में ये हरा देगी अपाचे को। और आप देखो टॉप एंड में ये आगे निकल भी गई है, बल्ले निकल गई भैया निकल गई।
कोई चीज़ ही नहीं, कहीं कुछ है ही नहीं। दूर दूर तक मैं बोलूँगा भैया रुक जाओ। टॉपिन में आगे निकल भी गई है पाजा से, और ये निकली आगे। रुक जाओ। अरे रुक जाइए। और मुझे नहीं लगता कि अपाचे वाले बहुत दूर है भाई, बहुत दूर है। रोड भाई एमटी किंग है भाई, 155-160 सीसी में। अरे रुक जाइए। किंग है, आस पास नहीं है कोई। हाँ पकड़ नहीं पाते, हाँ इसलिए मैं बोला कि रुक जाइए, तभी रुक गया मैं जल्दी। लेकिन भाई इनिशियल भी एमटी का अच्छा है यार, दूसरे गियर में थोड़ी सी पीछे होती है फिर आगे निकल जाती है। तो भाई ये थी आपकी ड्रैग रेस, और अगर आपको ड्रैग रेस पसंद आई है तो भाई रिजल्ट तो आपको पता ही चल गए होंगे। पूरी ड्रैग रेस आपने साथ साथ देखी है, दोनों ही रेसेस में जो आपकी विनर है वो आपकी MT 150 या फिर MT 15 2.0 है। तो भाई जल्दी से ड्रैग रेस को वाइंड अप करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कनेक्ट करना चाहते हैं मेरे साथ तो जल्दी से मेरा सोशल मीडिया हैंडल यहाँ सोशल मीडिया हैंडल मेरा यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, इंस्टाग्राम, वहाँ पे आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज राम स्लो ट्रैवलर साइनिंग ऑफ।